जैसे आप आपके ऊपर आप अपने पूजा कक्ष में बैठे हैं, आपके ऊपर कृपा होनी शुरू हो गई, तो आप बिना कुछ बोले बिना बात किए अपने बेडरूम में चले जाएं और चुपचाप सीधे लेट जाएं शवासन में और जागृत अवस्था से निद्रा देवी के घर जाते जाते मंत्र जाप करते करते उस प्रभु का, उस अपने प्यारे का, उस अपने इष्ट का ध्यान करते करते जाएं। जब आप निद्रा देवी के घर में पहुंच जाते हैं तो आपको पता नहीं चलता कब पहुंच गए। जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत आसान काम है और बहुत आनंददायक काम है। आप देखेंगे आपकी पूरी रात्रि मंत्रमयी रात्रि हो गई, पूरी रात्रि होश पूर्वक रात्रि हो गई, पूरी रात्रि ध्यानमयी रात्रि हो गई और कभी कभी ऐसे सुंदर अलौकिक दृश्य देखेंगे कि आप उनको भूल नहीं पाएंगे। और दोस्तों, जैसे ही सुबह उठें और बिस्तर छोड़ने से पहले 10 मिनट के लिए फिर निद्रावस्था से बाहर आए हो, जागृत अवस्था में आए हो, सबसे क्षमा मांगना, सबका शुक्रिया करना जो आपके जीवन के आसपास हैं, अपने गुरुदेव का सबसे ज़्यादा शुक्रिया करना और आपका जो संकल्प है दुनियादारी में, जो आपकी ड्यूटीज हैं, जो आप होना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, उसको विजुलाइज करना, पिक्चराइज करना कि माँ ने मेरे ऊपर पूर्ण रूप से कृपा कर दी, उसकी कल्पना करना प्रेजेंट में और खुश पूरे खुशी के मूड में उठ जाना। उठने के पश्चात आप अपना नित्याक्रम करना, जितनी देर ध्यान में जाना है, पूजा में जाना है, बैठना, फिर आप अपने नित्याक वाले काम में लग जाना। जो भी आपकी जॉब है, आपका बिजनेस है, आप डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप कुछ भी हैं, जो भी आपकी ड्यूटी है, आप आईटी वाले हैं, आप किसी और पेशे से संबंधित हैं, भगवान का नाम लेके करना और मन वचन कर्म भाव मंत्र को नहीं छोड़ना। जो भी करना भावना से, फीलिंग से, मन से करना। इससे आप देखेंगे कि आपके संकल्प पूर्ण होने लगे हैं, आप रूहानियत वाले व्यक्ति बनने लगे हो और जहाँ भी जाते हो वहाँ के वातावरण को आप और सुंदर और अच्छी ऊर्जा वाला बना देते हो। इसी के साथ आपसे इजाजत लेता हूँ, आपके भीतर बैठी हुई माँ को प्रणाम करता हूँ। माँ आपके ऊपर बहुत बहुत कृपा करे। जय माता दी।